प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। दीदी ये की बनेने छिए दीदी? चावल लटा के तिलौरी बनेने छिए। तिलौरी बनेने छिए जी भैया। ई सब्जी कम होय छै दीदी की? भैया कोर कुटुंब आबै छै जे घरे में खाय के लिए तिलौरी तेल में भून के खाय। दीदी सुनने लिए कि अपने एक नया तरीका से आंगन में सब्जी उपजाबे छी दीदी, वह सीखे लाय छी दीदी। अच्छा भैया पोषक बगीचा के बारे में पूछे लाय छी जी दीदी, वह है वह बता दे। ठीक है चलिए बता। बतबे से पहले अपने अपन परिचय दे देती है। अच्छा भैया रीना कुमारी वर्मा नाम छे, सफल भियो के सदस्य छे, घर बरुआ पोस्ट रोड थाना लोली जिला खगड़िया। पोषक बगीचा लगवे के लिए कौन कौन सामग्री की जरूरत पड़े छे? भैया पोषक बगीचा लगवे के लिए यह सब सामान लगे छे। इतने से सारा सामान लगे भैया? देखियो भैया ये 12 किलो शुद्ध मिट्टी छे। 12 किलो छे दीदी? हाँ भैया 12 किलो छे। 4 किलो गुआ छे भैया, मतलब सरलका गोबर के गुआ छे ना? हाँ भैया सरलका गोबर के गुआ छे। 0.5 लीटर गाय के गोमूत छे। देसी गाय छे दीदी गोमूत? हाँ भैया। आई सादा पानी 2 लीटर छे भैया। सादा पानी छे दीदी ना? हाँ भैया। ई भैया बीजा अमृत शोधन, यानी बीजा अमृत से बीज शोधन करल छे दीदी? हाँ भैया। हाँ भैया ये है प्लास्टिक के बोरा एगो लगे छे। प्लास्टिक के बोरा लगे छे दीदी ना? हाँ भैया। एगो खुरपी लगे छे। ओ ये खुरपियो काम छे दीदी ना रोपे के लिए ना दीदी? हाँ। अब दीदी आगे की करबे एकरा? या एकरा छे भैया ए मट्टी के ए गुआ में ना के मिलाए दली। ओए गुआ में मिलाए दे दीदी एकरा ना? एकरा धीरे धीरे ना करके गुआ के मट्टी में ना के नान के मिलाए ले छे भैया। ओए ढेला जे चकरा फोड़ दिए ना दीदी? हां एना के मिलाए के नान के तभी बोरा में कर दे। अब एकरा बोरा में करबे दीदी ना? हां एमे भैया। हां ए बोरा में डाले छी। डाले छी दीदी ना? हां छ दीदी एमे जे गुआ मिले लिए गुआ से की फायदा होत? ई मिट्टी में जे गुआ मिलाएल गेले भैया ई मिट्टी में ताकत मिले खातिर। ओ मिट्टी में मतलब शक्ति मिलते दीदी ना? हाँ भैया। गोमूत के जो छे भैया ई सदा पानी में डाले के छे। गोमूत्र डाला से की होय छे दीदी? नहीं जानिए भैया ई गाय के गोमूत्र से पौधा के कीड़ा से बचाएल जाय छे। और दीदी गाय के गोमूत्र दे मिले लिए एकरा से कीड़ा मरे छे? कीड़ा पौधा में नहीं लगते दीदी? हाँ भैया ऐसे नहीं लगे छे कीड़ा। ओ ई चीज के लिए छे ना दीदी? आय से मतलब कि पौधा के नाइट्रोजन मिले छे ना दीदी? हाँ भैया। ओ तब तो बड़ी कमाल के चीज छे ई सब भैया। ई मट्टी में डालल जाय छे पौधा के लगवे के लिए नमी के खातिर। ओ ई पानी डालिए दीदी नमी के लिए ना दीदी? हाँ भैया ई नमी खातिर पानी डालल जे मिट्टी में नमी आ जाते ना दीदी? हाँ भैया। आब एम छे भैया एमे बीज डाले के छे। अच्छा दीदी आप बीज डाले छे एमे? हाँ भैया। ई कितना गड्ढा तक डालबे दीदी? 1 इंची तक गड्ढा। 1 इंची तक? हाँ भैया। हाँ ऐ जो आज रखलिए भैया ई जो पौधा निकलत इहे खम्हा पर धीरे धीरे इहे लन्ना पर चलि। अच्छा दीदी एमे कोनो मतलब नाइट्रोजन खादो दै छियै जेना यूरिया डीएपी पोटाश ये खादो दै छियै? नहि भैया कि एमे
कोई खाद नहीं पड़े कोनो खाद नहीं देवे दीदी एकर नाम हले भैया जीरो बजट ऐसी होय छै जीरो बजट नहीं दीदी बिना खाद के होय छै तो ओकरा कहै छै जीरो बजट अच्छा दीदी एकरा में मतलब झिंगे को लगा सके छिए कि और कोनो पौधा लगा सके छिए हां भैया एमे लत्ती वाला सब पौधा लगा सके छिए ओ लत्ती वाला सब पौधा जैसे कद्दू करेला झिंगा ई सब सब लगते हैं हां भैया सब पौधा लत्ती वाला सब पौधा लगा दे देखै छिए भैया पहले पर अलौन दलिए अलौन पर तब कद्दू लगेलिए आब तो कद्दू का अंतिम समय है तब वह के लिए झिंगा लगेलिए झिंगा पर फिर लतराय देवे ऊपर झिंगा भी फरते नीचा गाय भी खाए कल उल जे आंगन के काम छे करे उड़े छे अच्छा दीदी पोषक बगीचा जो लगेलिए एक मतलब को सावधानियाँ भी बरते पड़े दीदी हाँ भैया एमे प्लास्टिके को बड़ा रखे ओमे कोई खाद नहीं डाले दीदी और बढ़िया काम के लिए दीदी एक लिए और दीदी कही अपने कोनो संदेशो और देवे हाँ भैया सब दीदी से अनुरोध छे कि जन ही हम पोषक बगीचा लगा के दोहरा हमें लाभ उठावे छे ओनहिए सब दीदी लगा के दोहरा लाभ उठावे छे अच्छा दीदी अपने जे इतना बहुमूल्य समय दे के पोषक बगीचा के बारे में हमरा सिखेलिए एकरा लिए दीदी अपने का बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा दीदी अब हम चले छिए प्रणाम दीदी प्रणाम समूह में जुड़ के साक्षर समूह में जुड़ के साक्षर बनल जरूर हे अरे आई ले जीविका संस्था लेकर संदेश हे अरे आई ले जीविका संस्था लेकर संदेश हे समूह में जुड़ के साक्षर समूह में जुड़ के साक्षर बनबै जरूर हे अरे आई ले जीविका संस्था लेकर संदेश हे अरे आई ले जीविका संस्था लेकर संदेश हे नाही जायब स्कूल हमें नाही कॉलेज नाही जायब स्कूल हमें नाही कॉलेज नाही की नव सिलेट पेंसिल नाही कलम इंक समूह में बैठी बैठी समूह में बैठी बैठी दस खत सीख जरूर हे अरे आई ले जीविका संस्था लेकर संदेश हे अरे आई ले जीविका संस्था लेकर संदेश हे बेटा बेटी के हमें स्कूल भेजायब बेटा बेटी के हमें स्कूल भेजायब पढ़ा लिखा के हमें साक्षर बनायब साक्षर बना के सुखा साक्षर बना के सुखम पायब हम जरूर हे अरे आई ले जीविका संस्था लेकर संदेश हे अरे आई ले जीविका संस्था लेकर संदेश अहि नाही ठकते मुखिया सरपंच नाही जमींदार नाही ठकते मुखिया सरपंच नाही जमींदार नाही ठकते एसडीओ वीडियो नाही तहसीलदार नाही ठकते एसडीओ वीडियो नाही तहसीलदार समूह के एकता बल से समूह के एकता बल से लड़बै जरूर हे अरे आई ले जीविका संस्था
लेकर संदेश हे आई लाई जीविका संस्था लेकर संदेश है।